हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद अतीमन। जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन का टाइम जो है जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा, वैकेंसी जो है स्टूडेंट के लिए आएंगी, हर डिपार्टमेंट में आएंगी। बिना सी टेट और टैट के आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, परमानेंट पोस्ट हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2,266 ऐसी पोस्ट जहाँ ना तो कोई सी टेट मांगा गया है, ना ही किसी राज्य का कोई भी टेट यहाँ पर मांगा गया है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अपने ही स्टेट में आप लोगों को जो है पोस्टिंग मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की तरह यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है। परमानेंट पोस्ट की बात हम करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। आज ही जो है इनकी जो है लास्ट डेट है, तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। रात को 12 बजे से पहले आप लोग यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी में यहाँ पर आप लोगों की सब्जेक्ट मांगा गया है। आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए इन सब्जेक्ट से। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को छोड़कर बाकी सभी में बीएड मांगा गया है। सी टेट या टैट किसी भी तरीके का नहीं मांगा गया है। कुल 286 जो है वो पोस्ट रहने वाली हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी है, यहाँ पर सभी जो है स्टूडेंट कहते हैं संस्कृत की वैकेंसी नहीं आती है, तो परमानेंट वैकेंसी है यहाँ पर। बहुत अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलेगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। संस्कृत की जो है वो अकेले यहाँ पर 97 पोस्ट हैं, और सभी राज्यों के जो अभ्यर्थियाँ यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 180 पोस्ट रहेंगी। मराठी, उड़िया, तेलुगु, बंगाली और संथाली, ये सभी भाषाएं भी हैं यहाँ पर। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं अगर इन सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड जो है यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर जो है अगर एज की हम बात करें तो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए एज जो है वो 40 ईयर यहाँ पर रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है यहाँ पर मांगी गई है। साथ में जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बीएड जो है यहाँ पर कंपलसरी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में देखिए एक और फायदा है, यहाँ पर बीएड की कोई डिमांड नहीं है। अगर आपने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप अप्लाई करते हैं, 40 साल आपकी एज, साथ में आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से आपका जो है यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री जो है वो मांगी गई है, या कंप्यूटर साइंस या आईटी आपने एमई या एमटेक से किया है, ठीक है, किसी भी जो है वो यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। तो वोमेन के लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 40 साल जो है वो एज है, और आप देखिए 10 साल जो है इसकी छूट भी मिल रही है आप लोगों को, तो सभी जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाती हैं। ग्रेजुएट टीचर की जो है कितनी मिल रही है, तो यहाँ पर जो है लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो है 47,600 से लेकर और आपकी जो है वो 1.5 लाख से भी जो है वो अधिक सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। तो ये वैकेंसी जो है वो आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से आई है। आप सभी को पता है केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तरह ही ये स्कूल है। लास्ट डेट जो है वो बिल्कुल आज ही है। यदि आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर दें। 31 जुलाई यानी आज 12 बजे से पहले पहले आप लोग जो है अप्लाई करें। यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसा रहेगा, तो आप लोगों का एक एग्जाम होगा, जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय कि आप लोग एग्जाम देते हैं वैसा ही है। बायलिंगुअल लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में आपका होगा। यहाँ पर 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो चलिए मैं आप लोगों को मेन साइट पर ले चलती हूँ, कैसे एप्लीकेशन करेंगे। तो ये जो है वो मेन साइट है इसकी, emrs.tribal.government.in, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय है ये। कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है इस पर आपको जाना होगा, और कंप्लीट फाइल जो है वो खुल जाएगी, आप लोग सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो। कैसे एप्लीकेशन करनी है, तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इस पर जो है वो आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो पेज ओपन हो जाएगा, इसमें स्टेप लिखे हुए हैं। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, यानी इसको जो है वो आपको पूरा फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आपके पास जो पेज ओपन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसे आप भरेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वह है आपका पेमेंट का, ठीक है। तो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 1,500 रुपीज जो है वो आपको पेमेंट करना होगा। पूरे भारत के जो है वो अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्द जो है वो अप्लाई करें। आज जो है वो लास्ट डेट है, रात को 12 बजे से पहले आप लोगों को एप्लीकेशन कर देनी है। थैंक यू।